अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर डील और ढील का शोर है। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के वापस आने और हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें कर रही है। पाक फौज के तर्जुमान ने डील की खबरों को कयास राई और अफवाह करार दिया था। ये सब स्पेकुलेशन हैं, कयास आ रही हैं, जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील। नाज़रीन, तर्जुमान, पाक फौज ने जिस डील को बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर कहा, अब हुकूमती वज़रा खुद उसी डील की बातें कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तला'आत ने गुज़श्ता रोज खुद इस मुबैना डील की कोशिशों की इत्तला' अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। चार जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून के चार बड़े रहनुमाओं की मुलाकात में जिस मुबैना डील की बात की है, उसी मुबैना डील का जिक्र वजीर आजम के तर्जुमान शहबाज गिल भी कर रहे हैं। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है, मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद का कान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें, ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी और शहबाज गिल नहीं, वफाकी वजीर हमाद अजहर भी अपने ट्वीट में बंद कमरों में मुस्लिम लीग नून के चार बड़े रहनुमाओं की मुलाकात पर तंज के तीर चला रहे हैं। वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद भी डील के हवाले से कुछ इस तरह बयान दे चुके हैं। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पर रखा जाए। बढ़िया सियासत, वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। नाज़रीन, जिस मुबैना डी तस्करे हो रहे हैं, चार डी की रहनुमाओं की बंद कमरे में मुलाकातों के चर्चे हैं। किसी के सर पर तो किसी के गरेबान पर हाथ की बात की जा रही है। इन तमाम बयानात से कई सवाल उठ चुके हैं कि हुकूमती अहदेदारों ने चार लीगी रहनुमाओं की खुफिया मुलाकात का तो जिक्र किया, लेकिन यह मुलाकात किस से हुई, यह मुलाकात कब हुई, कहां हुई और इस मुलाकात के लिए दावत कहां से आई। अगर यह मुलाकात हुई और कोई डील भी की गई तो क्या उसकी शराइत क्या है, और क्या हुकूमत की सफों में एक बार फिर जो भूचाल है उसकी वजह भी कोई मुबैना डील है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा, मुस्लिम लीग नून से अताउल्ला तारड़ साहब और हमें तजियाकार महमूद सरफराज साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरा आलिया हमजा साहिबा से जानना चाहेंगे। आलिया साहिबा, ये जो डील की बातें हो रही हैं जिसका जिक्र शहबाज गिल साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने किया है, ये डील किससे की जा रही है, कब हुई है ये मुलाकात, कब हुई है, कौन मुलाकात कर रहा है इन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, क्या तफसीलात है सिलसिले में आपके पास के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मंसूर साहब। मंसूर साहब, मुझे तो 21 साल पहले वाला एक आपने भी देखा होगा अखबार का टुकड़ा, मैंने भी देखा है, तब भी बीमारी का बहाना करके ये किस तरह से भागे थे जद्दा, और यहाँ पर अपने वर्कर्स को कह के कि जी नारे लगाओ शेर शेर के, एहतजाज के लिए तैयार रहना। 10 साल इन्होंने मुआहदा किया और वहाँ से ये रवाना हो गए जद्दा के लिए, तब भी इनको मच्छर काटते थे, अब भी इन्होंने ये किया। इनके जिनके प्लेटलेट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे होती थी, बीमारी का बहाना बनाया और चल पड़े। अभी थोड़े दिनों पहले ही इनका इनकलाब सीधा होम डिपार्टमेंट से होते हुए यहां पर लैंड करने वाला था, उस इनकलाब का क्या हुआ? अब मुझे ये बताएं, डील इनकी तो पुरानी आदत है, ये डील मांगते हैं जब ये इक्तदार में होते हैं, गरीब बांध पकड़ते हैं, जब ये इक्तदार से बाहर होते हैं ये पाव पकड़ते हैं, ये वही वाला हाल है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, 21 साल पहले ये इस तरह से करके बहाना करके और दोबारा ये आ गए थे, अब तो डील होगी ना ढील होगी, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है और इसी तरह से है, वापस तो इन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जब इनका रिजेक्ट हो जाएगा तो तब ये कहेंगे कि जी मुझे क्यों निकाला, लंदन से भी मुझे क्यों निकाला, और यहां पर आएंगे और बिल्कुल इसी तरह से कभी इनका कोई बहाना घड़ा जाएगा, कभी कोई बहाना घड़ा जाएगा। डील की तलाश में जरा इनका थोड़ा सा आपको एक पूरा टाइमलाइन दे दूं। डील 2013 से पहले
जो ये भुरके पहन के गेट नंबर 4 पर जाकर इक्तदार की भू की मांगते थे, की भीख मांगते थे 2018 से पहले, ये वही डील करने के लिए अपनी कैबिनेट फाइनल कर रहे थे। फिर उसके बाद जब कोरोना आया तो एक साथ भागते भागते आए लंदन से कोरोना ठीक करने लैपटॉप के आगे बैठ के, तब भी वो शेरवानी पहनने आए थे। कुछ दिन पहले इन्हीं के तर्जुमान आपने देखा है रसगुल्ले खाने और गुलाब जामुन खाने डील करने के बहाने गए थे। उसके बाद कुछ दिन पहले की, बल्कि 2 महीनों की बात है, याद है आपको कहा गया था चहलकदमी करते करते छोटे मियां साहब जो है वो कहीं पर चले गए, उनकी मुलाकातें हुई, फिर ये एक और नारा बुलंद हुआ कि जी मियां साहब तो कह रहे हैं लेकिन मतलब मियां साहब नहीं मान रहे, बाकी तो सारी डील्स फाइनल हो चुकी है। तो बात सिर्फ इतनी है, मैं बता देती हूं, पहले 2 वजीर आजम के कैंडिडेट थे, अब 4 वजीर आजम के कैंडिडेट इन्हीं की पार्टी में बन गए। पार्टी बुरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, हर कोई वहां पर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन रहा है। और यहां पर ये हमें कहते थे ना कि हमें सीट्स और टिकट्स हमारे लोग नहीं लेंगे, यहां पर तो इनकी अपनी पार्टी बिखर रही है और वो वहां जाकर मिनते कर रहे हैं कि जी हमें वजीर आजम बना दे, हमें वजीर आजम बना दे। स्टोरी बड़ी सादा है, नून लीग नहीं बचने वाली, पहले शीन और नून होना था, अब और कई टुकड़े होंगे इनमें से, तो देखें देखते जाए आगे क्या होता है। 1.5 साल बाद इंशाल्लाह ताला हम कहते थे ना दोबारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ही आएंगे और ये यही करते रहेंगे, डील की तलाश में दर बदर यूं ही फिरते रहेंगे, लेकिन जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा, रसीदें तो निकालनी पड़ेंगी। लेकिन आलिया साहब मेरा सवाल तो कुछ और था, मैंने पूरी लंबी चौड़ी आपको टाइमलाइन इनकी बता दी। नहीं, मैंने आपसे टाइमलाइन भी पूछी थी, मैंने आलिया साहब पूछा था इनके साथ डील कौन कर रहा है, ये कौन जाके इनसे मिलता है, क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने भी आप ये कहा था, सवाल किया था कि बताएं कौन है जिससे ये लोग डील कर रहे हैं जाके। आप जो फरमा रही हैं कि ये वज़ीरे आज़म के उम्मीदवार बने हुए हैं, ये जाके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किसके पास, किससे जाके मिलते हैं ये? ये तो जी ये लोग ही बता सकते हैं कि ये किससे जाके मिलते हैं, पहले किससे डील करके ये इक्तदार में आए थे और अब किससे डील करके ये करने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं इनकी पार्टी में इस वक्त 6 वजीर आजम के उम्मीदवार बन गए और पार्टी के यही हालात रह गए। अब ये ढूंढे कि कौन कौन गया था, वो 4 लोग किधर गया था जाकर वजीर आजम के वो बन चुके थे, इन्हें पता करना चाहिए, हमें क्या जरूरत है, पार्टी हमारी पार्टी तो इंटैक्ट है। किधर गया था, अलफता शॉपिंग सेंटर गया था, वो पेस गया था, किधर गया था, किसी से तो मिला जाके ना, वो कौन है सर, किससे मिला जाके? ये डील करने के पुराने खिलाड़ी हैं, इनको पता है कहाँ जाके डील करनी है, इनको पता है कहाँ जाके गुलाब जामुन खाने हैं, इनको पता है कहाँ जाना, इनको पता है किन के लिए, किन के आगे इनको बोतलें पकड़ के खड़ी होनी है, किनको इन्होंने प्लेटें पेश करनी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। मैं नहीं जानता ना, मैं जानता हूं ना, डीजी आईएसपीआर जानते हैं, इसलिए बराए मेहरबानी हमारी रहनुमाई फरमाएं हमें, बात देखें। शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी ये लोग गए हैं और इन्होंने डील मांगी है कि जी आप शरीफों को जाने दें, इन्होंने कहा कि जी ये डील मांगी है जाके, तो किससे मांगी है, किसको कहा है जाके ये? सर जिनके पास जाते रहे उन्हीं के पास जाना है ना, आप तो वो इतनी सादा सी वो कह रहे हैं जैसे आप जानते ही नहीं है, वो क्या वो शेर है, पत्ता पत्ता वो बूटा बूटा हाल हमारा, जाने जाने ही जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, आपका वो हाल है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गुल के साथ तशबीह दी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गुल के साथ तशबीह दी, लेकिन यकीन कीजिए कि ये गुल जो है ना वो बंद गोभी वाला वो फूल है जिसे कुछ नहीं पता बाकी क्या हो रहा है। सर कोई मसला नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम हर तरह के लोगों से डील करते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू, बट आपको भी पता है मुझे भी पता है कहां गुलाब जामुन खाने जाते हैं, किनके पाव पकड़ने जाते हैं। अच्छा मैं चलें तारण साहब से पूछता हूं, पीर पगाड़ा तारण साहब किसके पास जाते हैं जी, आप लोग बताएं किससे डील कर रहे हैं आप लोग, ये किससे मुलाकातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तो कहते थे वोट को इज्जत दो, आप लोग डीलों को इज्जत दे रहे हैं। पहली बात तो ये है, मैं पहले ही बड़ा बदनाम हो गया हूं, मैंने अभी फवाद चौधरी साहब को चैलेंज किया है कि उनमें अगर थोड़ी सी शर्म हया है या वो कोई थोड़ी इंसानियत है तो वो बता दें कौन 4 लोग गए थे और किसके पास गए थे। ये स्ट्रैटेजी पॉलिटिकली बहुत अच्छी है कि आप एक हवा में शोशा छोड़ दें कि ये 4 लोग गए थे, उन्होंने मियां साहब की बुराई की और कहा कि हम उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के। ये मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं फवाद चौधरी साहब पहले जब पीपल्स पार्टी के साथ थे तो क्या बातें करते थे, तहरीक इंसाफ को क्या गालियां देते थे, टर्म यूथिया किसने इन्वेंट की, छोड़ दें बातों को, कतई नजर इस बात से। मुशर्रफ के साथ गए तो क्या किया, हमें ज्वाइन करने की कोशिश की, हमने इनकार किया, उनको गुस्सा है, बजा है, होना चाहिए। आप अगर रिजेक्ट हो जाएं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से तो गुस्सा होना चाहिए, मगर मैं ये समझता हूं कि देखिए इस मौके पे ये सारी अफवाहें, वजीर आजम नाम निहाद वजीर आजम
खुद फैला रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखवा दिया है, स्टेट बैंक मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है। आज आपकी अशियाई खुर्दनोश की क्या हालत है? कोई परवाह नहीं है, उसको परवाह है कि मैं अपने इत्तेदार की कुर्सी के साथ चिमटा रहा हूं, रोज नई सियासी मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी, मैं आलिया हमजा साहब ने जिस तरह मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया था, आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप लोगों की क्या, मैं टू द पॉइंट सवाल करता हूं सर, टू द पॉइंट, क्या आप लोगों की एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुलाकातें हो रही हैं? कोई मुलाकात नहीं हो रही, कैटेगोरिकली डिनाइड। अगर हो रही हैं और ये समझते हैं हो रही हैं, तो मैं फवाद चौधरी साहब को पहले चैलेंज कर चुका हूं, आप ऑन एयर आए, टाइम जगह और शख्सियात के नाम बता दें कि किसकी मुलाकात हो रही है। ये देखना, इल्जाम उन्होंने लगाया है, उनको अप्रूव करना होगा कि ये मुलाकातें हुई हैं। मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं। और देखें, वजीर आजम काबीना की मीटिंग में बैठ के कहते हैं डीलें हो रही हैं, उस दिन ऑन एयर उन्होंने कहा, आपने देखा, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तकरीर नहीं करते, जॉब एप्लीकेशन देते हैं। तो ये जॉब एप्लीकेशन क्या है, ये किसको जा रही है और ये क्या कहने की कोशिशें की जा रही हैं? असल मसला ये है, मुल्क के मसाइल इतने गंभीर हैं, आम आदमी को इन्होंने पीस के रख दिया है, 15 से 20 हजार रुपए तनख्वाहदार इंसान की कोई वक्त नहीं है, वो मर के रह गया है, फाकों पे मजबूर है, खुदकुशी IMF के पास जाने पर वजीर आजम ने करनी थी, लोग भूख से तंग आके खुदकुशियां कर रहे हैं, और इनको डीलों की पड़ी है कि फलां की डील होगी फलां की नहीं होगी, ये इनका नया सियासी पैंतरा है। हम बिल्कुल इसके लिए फॉल नहीं करने वाले। आप एक काम करें ना, क्योंकि ये दो, आप एक काम करें ना तारिक साहब, आप एक सीधा सीधा काम करें, इन्होंने अपनी इस बात के अंदर जो क्लेम किया है फवाद चौधरी साहब ने, इन्होंने कहा कि जी आप लोग चाहते हैं कि चारों शरीफ जो हैं वो आराम से पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, उसमें से एक तो ऑलरेडी बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब तो बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा, ऐसा ही है ना, बाकी तीन जो है वो भी पाकिस्तान में। मेरा ख्याल में आप ऑफिशियली यहां पे ऑन द रिकॉर्ड कह दीजिए, हम चाहते ही नहीं है तीनों पाकिस्तान से बाहर जाएं, और ये ना जाएंगे और ना इंटरेस्टेड है जाने में। मैं अताउल्लाह तारर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ऑफिशियली मंसूर अली खान साहब, अपनी पार्टी की तरफ से आपको कह रहा हूं कि ये तीनों बाहर नहीं जाना चाहते, और बाहर जाने की कोई बात नहीं की। और मैं अभी पिछले दिनों शहजाद अकबर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, आई रिस्पॉन्डेड, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि आप बताएं कि हमने किसको इस्तदा किया बाहर जाने की और कौन बाहर जाना चाहता है। हमने तो जब वो मामला ठप हुआ था लास्ट टाइम ECL वाला, उसके बाद तो उसकी कानूनी पैरवी नहीं की, हम तो किसी अदालत में नहीं गए। तो ये मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई करता हूं, इनको चाहिए अपनी फिक्र करें। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हार गए हैं, पूरे मुल्क में बाय इलेक्शन हारे हुए हैं, पिट गए हैं, और अब अपने मेंबरान को थ्रेट करके उनसे असेंबली में वोट दिलवाते हैं। मैं तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कासिम सूरी 1.5 साल से स्टे ऑर्डर के पीछे बैठा है। सर मैं आता हूं असेंबली के सारे बिजनेस, सर मैं उस टॉपिक पे आता हूं, वो जरा बिट डिफरेंट, मैं अभी जरा ये डील और डील के जरा मामलात को जरा क्लियर करूं। मेमल सरफराज साहिबा, आपने ये दोनों की गुफ्तगू सुनी, अताउल्लाह तारिक साहब ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कैटेगोरिकली मेरे ख्याल में आज अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया है कि जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये तीन बंदे नहीं बाहर जाना चाहते, हम लोग नहीं इंटरेस्टेड। लेकिन लेकिन आलिया हमजा साहिबा जब इनके माजी की बात करती हैं और एक टाइमलाइन की बात करती हैं, तो टाइमलाइन तो डीलों से वाकई भरी हुई है और हुई भी हैं डीलें, तो क्या मुस्लिम लीग नून की इस बात पर यकीन किया जा सकता है, या जो फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब जिस तरफ तस्करा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वाकई वहां से धुआं उठ रहा है, और धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग जल रही हो? देखिए मंसूर, बात यह है कि ये जो साल है और खास तौर पे इस साल के अगले 4 से 6 महीने वो बहुत अहम है, जिसकी वजह से, क्योंकि एक तो आपको मालूम है कि आर्मी चीफ साहब, नए आर्मी चीफ साहब, मैं मेरी एक हंसी निकली, मैं तो वो पाकिस्तान के कुछ 4-5 ऐसे महीने में सोच रहा हूँ जो कौन से आम नहीं होते। नहीं, नाजुक नहीं कहा, नाजुक नहीं कहा मैंने, नाजुक सुरते हाल नहीं कही। अच्छा बोलिए बोलिए, I'm sorry to interrupt। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि जी नहीं, कोई बात नहीं, बेरे वो होता है नाजुक सुरते हाल जिसमें से हम हर वक्त गुजर रहे होते हैं, ये है अहम। अच्छा ठीक, क्योंकि जो इलेक्शंस का, अगले इलेक्शंस का जो लैंडस्केप तय होना है ना, एक तो वो ये तकरीर बहुत अहम है उसके लिए,
ठीक है, और वो साल बहुत अहम होता है जिसके अंदर ये तकरीर होनी होती है। ओके। और ये जो सारी पैलेस इंट्रीग्स हो रही हैं, जो जिसका जिक्र अब मुझे नहीं मालूम कि किसी की मुलाकात हुई है नहीं हुई, तारड़ साहब एक बात कह रहे हैं, आलिया हमजा साहबा और फवाद चौधरी साहब और बाकी लोग दूसरी बात कह रहे हैं, मुलाकातें तो हमें मालूम है कि बैकडोर चलती रहती है, बहुत सारे जो है वो इनकी कम्युनिकेशन भी चलती रहती है, मुलाकातें भी होती रहती हैं। अब ये क्या डील के लिए है, डील के लिए, वो एक अलहदा चीज है। बात ये है कि ये पैलेस इंट्रीग्स का टाइम ही ये है, क्योंकि अगले इलेक्शंस का लाए अमल तय ही इसमें होना है, और ये जो सारे इवेंट्स हैं ये उस चीज की एक कड़ी है। वो बेशक ऑपोजिशन ट्राई कर रही हो, वो बेशक हुकूमत चीजें ट्राई कर रही हो, क्योंकि अगर किसी ने जाना है, कोई चीज होनी है, कोई पार्टीज चेंज करनी है, कोई पार्टीज के अंदर चेंजेस आनी है, इस तरह की जो भी मूव्स होनी है ना, ये अगले 4 से 6 महीने के अंदर अंदर होनी है। उसके बाद तो फिर एक इलेक्शन का पूरा वो चल जाएगा, और फिर तो इलेक्शन ही है। तो मेरे ख्याल में कि ये अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो इसी नजर से देखा जाए कि क्या डील हो रही है, नहीं हो रहा, नहीं हो रही, ये सब उसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि अगले 4 से 6 महीने में तारड़ साहब की बात सही होती है या पीटीआई वालों की बात सही होती है। मेरा एक सवाल ये है, मेरा एक सवाल ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 2018 के अंदर, तो हमें पहले 1 साल 1.5 साल यही ऑपोजिशन, यही मुस्लिम नून, कभी सिलेक्टेड सेलेक्टर डीलें हाथ रखा हुआ है, उनका लाडला है, और इस किस्म की सारी बातें करती रही और ताने तशने देती रही, ये सारा कुछ करती रही। आज अगर एंड वी प्रिज्यूमिंग दिस, ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस, आलिया हमजा साहिबा भी एक लिमिट से आगे जाके मजीद बात नहीं करना चाह रही इसके ऊपर, मेरे ख्याल में शी इज बीइंग कॉशियस, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या मुस्लिम नून को यह सब कुछ करने की इजाजत है? देखिए, असूलन तो आइडियली तो बिल्कुल एक जमहूरियत के अंदर ऐसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। एक जमहूरी तरीका होना चाहिए जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और अवाम का जो हक के राय है ना, इजहार राय, वो ही हो, उसी से तय हो कि कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सी हुकूमत नहीं आ रही, कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी जा रही है। लेकिन आपको भी मालूम है मंसूर, जिस तरह से आलिया हमजा साहबा ने भी नाम तो नहीं लिया, ना उन्होंने बात की, लेकिन हमें भी मालूम है कि कुछ चीजों के लिए कुछ पावर ब्रोकर्स होते हैं जिसमें ये मामला जो है कुछ तय होते हैं। बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, एक जमहूरियत के अंदर ये होना नहीं चाहिए। लेकिन तारड़ साहब को भी इस बात का मालूम है, आलिया साहबा को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें भी, ये तो मुझे कोई नहीं मालूम है। मतलब प्लीज स्टॉप सेइंग दैट, आप लोग सारे बार बार मुझे क्यों कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप इतने मासूम नहीं है यार, आप इतने मासूम नहीं है, लेकिन मासूमाना सवाल किए जा रहे हैं। मैं और वसीम बदामी सबसे मासूम एंकर है पाकिस्तान के। अच्छा चले, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक लेता हूँ नाजरीन, और मैं अपनी इस मासूमियत को के कुछ इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी करता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब कुछ अगर हो रहा है तो फिर हुकूमत, क्या ये मौजूदा हुकूमत, क्या ये उसके साथ नाइंसाफी है, क्या उसके साथ ये ज्यादती है कि आखिर उस हुकूमत के खिलाफ इस किस्म की कोई चाल चली जा रही है, या जिस तरह जो जो स्कीमें बनती हैं, जिस तरह मेहमद साहब जिसका जिक्र करी थी, क्या ये इंसाफ है तहरीक इंसाफ के साथ? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़िम वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे मुबैना डील या ढील की। आलिया हमजा साहबा फरमाती हैं ये लोग डील की कोशिशें कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि ये किसके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैंने कहा मैं नहीं जानता। अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं जी मेरा चैलेंज है, आप नाम लीजिए, बताइए किसके साथ ये डील हो रही है, वो कौन 4 रहनुमा हैं जो जाके इस तरह की मुलाकात कर चुके हैं, उनके नाम लीजिए। आलिया साहिबा उन 4 रहनुमाओं के नाम ले दें, बताएं वो कौन है 4 रहनुमा। और दूसरा मेरा जो सवाल है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अगर पूरी दुनिया में किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट के हवाले से उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई ऐसी प्लानिंग हो रही हो, तो उसके हवाले से तो वो हुकूमत हरकत में आती है, कानूनी कार्रवाई करती है। आप लोग ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कह दूं कि वो सारे एंकर्स और वो सारा मीडिया ना, जो कल तक सिविलियन बाला दस्ती और वोट को इज्जत देने के नारे लगाता था ना, अब तो उन्हें पीटीआई का साथ देना चाहिए, इंक्लूडिंग आप, इंक्लूडिंग जो माशाल्लाह हमारी इतनी जो कॉम्पिटेंट हैं यहाँ पर पैनलिस्ट महमल साहिबा।
इससे आगे चलते हैं, मैं बात थोड़ी सी ज्यादा करूंगी। शायद खाकान अब्बासी साहब के स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर जरूर कोट करना चाहूंगी और फिर मैं ये कहूंगी कि बहुत मासूम है मेरे भाई अता तारर। कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हमने तो मीडिया पर अपना मंजन बेचना है, अब सच है या झूठ क्या फर्क पड़ता है, ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। यानी ये मियाँ साहब को एक माल समझ कर बेच रहे थे। मरियम बीबी माल बरदार रक्षों के पीछे उनके मियाँ साहब को उनको वो उस तरह से मार्केट करी है। यानी मुझे तो इनकी पार्टी का आज तक समझ में नहीं आ रही है करना क्या चाहते हैं। अभी ये डिनाय कर रहे थे ना, मैंने याद करा दूं, कुलसोम बीबी यहां पर एतजाज एहसन को कह रही थी कि आपने कल जाकर कोर्ट में पेश होना है, अपने कारकुनों को वो शेर शेर के नारे लगाने का कह रहे थे और खुद वो सूटकेसेस बांधकर जद्दा रवाना हो रहे थे। यहां पर आप ये बात करते हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ को हमने एयरपोर्ट से वहां पर पकड़कर निकाला था, तारड़ तो उस वक्त उनके साथ थे और आपने देखा है कि हमने किस तरह से उनको वहां से रोका है। ये सिर्फ खान साहब भी कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। और मरियम बीबी भी सर्जरी का बहाना बनाकर यहां से जाना चाहती थी, इसलिए ये तो ये बिल्कुल ना कि मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था आलिया साहिबा, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल था वो चार रहनुमा कौन से हैं जो मिले हैं जाके। देखिए जी, ये तो ये लोग पता करें ना, मुझे इनकी पार्टी से मेरा क्या ताल्लुक है, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ जो मुझसे सवाल हुए हैं मुझे उन सवालों का जवाब देना है और मुझे उन सवालों का ये जवाब देना है इस पार्टी के अंदरूनी हालात ये हों और जो हमें आकर ये कह रहे हो कि हम ये लोग कहाँ सच बोलते हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके धांधली का वो शायद खाकान अब्बासी साहब ऑन एयर आकर वो कहते हैं कि हर हुकूमत के दौर में। आपने के जवाब में शुरू में आपने फरमाया सिविलियन बालादस्ती के हवाले से सब एंकर पर्सन को मुझे मेहमल सरफराज साहिबा को आपका साथ देना चाहिए। आए मैं आपका साथ देता हूं, मैं इधर ही आपका साथ देता हूं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आए मुझे बताइए आप इस सिलसिले में जुडिशियल कमीशन बनाएंगे जो बैठ के तहकीकात करे कि मुस्लिम नून के ये रहनुमा, ये चार रहनुमा इंक्लूडिंग अताउल्लाह तारड़ क्यों इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ये प्लानिंग बना रहे हैं। बनाए जुडिशियल कमीशन का ऐलान करें, इसी वक्त ऐलान करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बताइए। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ आप जुडिशियल कमीशन का ऐलान करें। इनकी जब से ये वो वेटर वाली टोपी पहन के जब से ये जनरल जिलानी के आगे चाय पेश करे तब से जुडिशियल कमीशन का अभी की बात कर रहा हूँ, अभी इस वक्त आलिया साहिबा इस वक्त आई है जब भी नहीं। मंसूर साहब ये कैसी बात है, यहाँ पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, अवाम को पता चलना चाहिए कि किस तरह से डील करके ये हुकूमत में आते रहे और हुकूमतें गिराते रहे। यहाँ ये भी याद होना चाहिए कि उसामा बिन लादेन से भी पैसे लेकर ये हुकूमतें गिराते रहे, तो हमारी हुकूमत हमें तो ये पता है कि इस वक्त जो वहां पर लोग बैठे वो ना इन्हें डील देंगे ना डील देंगे। रीजन ये कि उन्हें पता है जो कहां बैठे कौन से लोग कौन से लोग इस हुकूमत का साथ कौन से लोग कहां बैठे हैं जो इनको डील नहीं देंगे, जिनके पास ये जाना चाहते हैं और दौड़ दौड़ कर जाना चाहते हैं गेट नंबर चार के दीदार करने के बहाने। गेट नंबर चार खजाफी स्टेडियम का कौन किसकी बात कर रही हैं सर, बड़े गेट वही बात है ना, आप मासूम बनना चाहे बन जाए लेकिन इतने मासूम आप नहीं है। बात जो यहाँ पर होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि हर सच झूठ ये आकर मीडिया पर बोलते हैं और ये कहते हैं कि हमने इसको, हमें क्या है, हमारा तो जो बिकता है हमें बेचना चाहिए। हम तो ये नहीं करते, हम तो कह रहे हैं अपनी पार्टी में आप अपने मोल्स चेक करें, कौन से चार लोग हैं जो आपके अपने लोगों के अगेंस्ट, जो शरीफों के अगेंस्ट बगावत करके जाकर पांव पकड़े कि जी हमें वजीर आजम बना देंगे। ये लोग क्लेम करते हैं कि जी आपकी पार्टी के 25, 30, 31, 32 कोई डिफरेंट फिगर्स ये लोग लेते रहते हैं, नॉट वन फिगर, जिसमें ये कहते हैं कि जी आपके एमएनएज एमपीएस जो हैं वो इनके साथ रابطे में है। इज दैट राइट? ये करते हैं ना ये क्लेम, तार साहब आप करते हैं ना जी, आप करते हैं ना ये क्लेम? मैं आज भी अभी आपके शो पे कर देता हूं, बिल्कुल रابطे में। अच्छा, अब सुने, बट माय पॉइंट इज कि जब तक जिस दिन तक मुस्लिम नून उन 31, 32, 33 लोगों के नाम लेके यूं करके लिस्ट लेके मेरे सामने नहीं आती ना कि ले जनाब ये वो लोग हैं पीटीआई के जो हमारे साथ रابطे में, आई विल नॉट केयर कि ये कितने नंबर मुझे बताते रहे।
जब तक वो पब्लिक डोमेन में आके क्लेम नहीं करते। अब इसी तरह आप लोग बैठ के अगर चार लोग कहते हैं जी चार लोग मिले, अनलेस और अंटिल आप मुझे नहीं बताएंगे वो चार लोग कौन है, वो किससे मिले हैं, ये क्यों हुई है मुलाकात, किसके कहने के ऊपर हुई है, दिस न्यूज डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू। देखिए जी, ये तो अब मेरे ख्याल में एक ओपन सीक्रेट है। ARY पे तो उनके शायद नाम भी चल रहे थे। अब आप मासूम बनना चाहते हैं तो आप मासूम बनते रहे, मुझे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मैंने तो बता दिया इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, चार लोग डीलों की तलाश में उनके नाम तक चल रहे हैं। अब आपने मेरे से ही उनके नाम पूछने हैं तो मैं कुछ नहीं कह देती। एक तो उनसे रिसेंटली मिलकर भी आए, सारे नाम चल रहे हैं, पूरे मीडिया को पता है। सर क्या इस चीज में कौन सी ऐसी छुपाने की बात है, इन लोगों को परेशानी होनी चाहिए, मुझे क्या परेशानी है। मैं तो यही बता रही हूँ कि इन्होंने हमें कहा था पहले दिन, 3 महीने हुए हमारी हुकूमत जा रही है, 6 महीने हुए मरियम नवाज प्रोटेस्ट। अच्छा, ये तारे साहब मैं समझ गया। अब आपने वो आपने जिस खबर का तस्करा किया है ना जी, सर अभी हमने मिनी बजट भी, हम तो मिनी बजट की रात को भी जा रहे। अच्छा, मैं तारे साहब के सामने वही खबर रखने लगा हूं। हमने किस तरह मैं खबर रखने लगा हूं अभी, मैं आपने जिस खबर का तस्करा किया मैं तारे साहब के सामने रखा। तारे साहब मैं बता देता हूं जी वो खबर क्या है। वो खबर ये है जनाब कि अयाज सादिक साहब लंदन गए थे और मुबैना तौर पर एक लिस्ट लेकर गए थे। उस लिस्ट के अंदर निगरान सेटअप के लिए वजीर आजम कौन होगा वो नाम लेकर गए थे। उस नाम के ऊपर, मैं उस खबर के मुताबिक सिर्फ बात कर रहा हूं जो उस चैनल के ऊपर चली है, उस नाम के उस लिस्ट के मुताबिक सबसे ऊपर अयाज सादिक साहब का नाम था और बाकी 3 नाम जो है उसके नीचे थे। ये 4 बंदों की लिस्ट कोई अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब को दी, नवाज शरीफ साहब ने उसे मना कर दिया, बल्कि नाराजगी का इजहार किया कि आप ये लिस्ट क्यों लेकर आए मेरे पास। अब आप बताइए इस खबर में कितनी सदाकत है। देखिए, मैं ये खबर इसलिए सच नहीं है कि अयाज सादिक साहब को जितना मैं जानता हूं, अगर ऐसी कोई लिस्ट होती और उनका नाम टॉप पे होता वो खुद कभी ना जाते, वो किसी और को भेजते। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि अपना नाम लेके मियां साहब के सामने लिस्ट रख दें कि जी मेरा नाम इस पर टिक कर दें। ये तो खबर यहीं से फॉल्सिफाई हो जाती है। ठीक है, खबर तो झूठी है ही है, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, मगर अयाज सादिक साहब की एक पर्सनैलिटी है, उन्होंने एक इज्जत कमाई है सियासत के अंदर, वो पिछली कई दहाइयों से सियासत कर रहे हैं। वो इस तरह के कोई ग्रीडी पॉलिटिशियन नहीं है कि वो मियां साहब के सामने अपना नाम लेके कहें जी ये देखें जी ये मेरा नाम है इसको टिक कर दें। तो ये तो खबर डिनाई की जाती है। दूसरा, ये जो तारीख गिनाई जा रही है, इनको नहीं पता कि जिला वतनियां कैसे काटी जाती हैं, इनको नहीं पता कि रातों रात एक 2/3 अक्सरियत के वजीर आजम को काल कोठरी में किस तरह डाला जाता है, इनको नहीं पता कि जिसने मियां नवाज शरीफ को हाईजैकर बना के उम्र कैद दी वो उसी शख्स से ये सीटें मांग रहे थे। क्या परवेज मुशरफ साहब ने अपने इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि इमरान खान मेरे से इतनी सीटें मांग रहा था कि मुझे पार्लियामेंट में इतनी सीटें दे दो और मुझे वजीर आजम बना दो, मगर हम उसको इतनी सीटें देने पर तैयार नहीं थे। तो ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? ये वो पार्टी जिसने 2018 के इलेक्शन में तमाम पार्टियों से लोगों को तोड़ा और अपनी जमात में शामिल किया। आज भी इनकी 80% काबीना को नजरियाती कारकुनान पे मबनी नहीं। माजरत के साथ तारिक साहब, ये सब कुछ वैसे अब आप लोग भी करने लगे हैं। 2013 तारिक साहब, माजरत के साथ ये सब कुछ आप लोग भी अब करने लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शायद का कान अब्बासी साहब, वो सिटी में इंटरव्यू साहब, हमारी पार्टी ना, मैंने सर मेरी बात सुन लें। अभी थोड़ी देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए थे और उनसे जहांगीर तरीन के हवाले से सवाल किया गया था। ये सवाल वैसे आलिया हमजा साहब आप भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि अपेरेंटली अप टिल नाउ जिस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा है, जहांगीर तरीन इज स्टिल पार्ट ऑफ PTI। लास्ट आई रिमेंबर ही हैज नॉट बीन किक्ड आउट, जहां तक मुझे याद है। शाहिद खाकान अब्बासी से जो सवाल किया गया और उन्होंने क्या जवाब दिया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं अगर जहांगीर तरीन साहब आना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दोनों से जवाब लेना चाहूंगा, मेहमत सरफराज साहब से भी कॉमेंट लूंगा। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने आपको सुनाया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब मुस्लिम लीग में आना चाहते हैं तो सियासत में सबको मुमकिन है, कोई ऐसी बात नहीं। तार साहब, क्या मुस्लिम लीग नून भूल गई है कि जहांगीर तरीन साहब ने यही कानूनी जंग लड़ी थी जाके पैनमा के हवाले से, जिसके बाद नवाज शरीफ ना अहल हुए थे, और ये सियासत में ये सब कुछ भी मुमकिन है? नहीं, देखिए मेरा ये ख्याल है कि हम 2 दफा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरे हैं। एक 1999 के कू के बाद जब मुश्किल वक्त आया तो बहुत सारे पंछी वो परवाज कर गए, फिर 2014 के बाद, 15 के बाद, 2018 के इलेक्शन से पहले भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस था। देखिए, हमारी बातचीत जरूर चलती है और वो चौधरी बरादरान से भी चलती है बहुत सारे लेवल्स पे,
वो बाकी कोलिशन पार्टनर से भी चलती है। यू विल हैव टू रिमेंबर कि ये जहांगीर तरीन बतौर फर्द पार्टी में नहीं आएंगे, जहांगीर तरीन का एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसमें बहुत सारे एम एन एस एम पी एस शामिल हैं और वो पंजाब में भी एग्जिस्ट करता है, वो सेंटर में भी एग्जिस्ट करता है, और वो बतौर जमात आएंगे तो किसी कोलिशन की बात हो सकती है, इनफरादी तौर पर वो नहीं आ रहे। कोलिशन के हवाले से अगर कोई बात चलेगी तो पार्टी जरूर उसको देखेगी, मगर इस पे हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। इट इज टू अर्ली टू से कि अभी ऐसा कोई कोलिशन होने जा रहा है। लेकिन आपने फरमाया जब आएंगे तो अभी अकेले नहीं आएंगे, ग्रुप के तौर पे आएंगे। ये डिस्कशन तो तब होती है जब एक्चुअली टॉक शुरू हो चुकी हो। नहीं, ये हकीकत है कि जहांगीर खान तरीन की एग्जिस्टेंस बतौर एक इंडिविजुअल के नहीं है, उनका एक ग्रुप ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है और वो अपनी सारी लॉयल्टीज ओ करते हैं जहांगीर खान तरीन को, इमरान खान को नहीं करते। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजाद हैसियत में इलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इमरान खान साहब के साथ ग्रीवेंसेस भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका किरदार क्वेश्चनेबल नहीं है। तो मैं तो बहुत सारों को जानता हूं, मुलाकातें भी कई कर चुका हूं, उनमें से हमारे पुराने साथी हैं कई। चलो ठीक, तो वो उनकी हैसियत बतौर एक ब्लॉक की है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये बकायदा एक जमात की सूरत में है। मेहबल सफराज साहिबा, ये सुन रही हैं मुस्लिम लीग नून के आप जबान, जहांगीर तरीन को इज्जत दो और ब्लॉक को इज्जत दो, किधर गया वो सारा बयानिया? अच्छा मंसूर, एक तो पहले तो मैं आलिया हमजा साहबा के लिए कहना चाहती हूँ कि गालिबन या तो वो फिर मेरे व्यूज से, उनको मेरे व्यूज का पता नहीं है। अभी दो दिन पहले तक का अगर वो एक प्रोग्राम मेरा देख लेती तो मैंने हमेशा सिविलियन बालादस्ती की भी बात की है और मैंने ये भी कहा है कि जो भी जमहूरी हुकूमत जिस भी तरीके से आई हो वो सिविलियन हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए और उसके खिलाफ कोई भी साजिश नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गैर जमहूरी तो खैर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इवन अगर जमहूरी तरीके से भी उनको बदलने की कोशिश की जाए ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पहले मैं उनको ये एक बात क्लियर कर दूं। जहां तक आपने ये मुस्लिम लीग नून जो है जहांगीर तरीन साहब को जो इज्जत दे रही है, बात यह है कि असल में ये सारी चीज हो क्यों रही, ये एक अनपॉपुलर हुकूमत है इस वक्त, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है ना वो इस बहुत ज्यादा है और वो खाली ये कोई जेकेटी ब्लॉक की बात नहीं है, पीटीआई के अंदर के लोगों से आप भी मिलते हैं मंसूर, बाकी भी लोगों को मालूम है इस चीज का कि जब प्राइवेटली बात करें उनके एमएनएस से, उनके एमपीएस से, तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए अपने हलकों के अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, वो अगला इलेक्शन देखते हैं। आपने अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो कि फेज वन में इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में इलेक्शन हुए हैं, आपने उसका ही रिजल्ट देख लिया है कि वहां पर क्या रिजल्ट आया है। तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल एक महंगाई की वजह से एक लोगों का रिएक्शन है, ये लोगों का प्रेशर है, तो उसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अगले 4 से 6 महीने अहम हैं, वो इसीलिए कि जो इलेक्शन का पूरा जो लैंडस्केप बनेगा, किसने कहां जाना है, महंगाई का एक प्रेशर बहुत बड़ा है, नून से भी बातें हो रही होंगी, पीपल्स पार्टी से भी हो रही होंगी, कोई एक आपको मालूम है कि यह भी बात हुई थी कि एक तीसरा ब्लॉक भी शायद एक कोलिशन बन सकती है काफ लीग की, पीपल्स पार्टी की, कुछ और इंडिपेंडेंट्स की, उसमें भी जेकेटी ब्लॉक की बात हो रही थी। तो ये देखना है कि ये ब्लॉक्स या ये कोलिशन जो है क्या ये नून के साथ बनती है, पीडीएम की भी कोलिशन है, बहुत सारी इस तरह की चीजें देखने में आएंगी। बिल्कुल इलेक्शन से मतलब अगले 4 से 6 महीने में ये चीज तय हो जाएगी कि कौन सी अलायंसेस बन रही हैं और किसने किसकी टिकट के ऊपर लड़ना है या आजाद लड़ना है। तो पीटीआई के अंदर से भी ये आवाजें प्राइवेटली तो आती हैं। अच्छा दूसरी चीज, एक मैं और चीज कहना चाहूंगी मंसूर, कि आलिया साहबा ने कहा इनके 4 लोग या 6 लोग वजीर आजम बनने के लिए वो बैठे हैं तैयार बैठे। देखिए ये हर पार्टी में लोग होते हैं, ये पीटीआई के अंदर भी लोग होंगे जो इस वक्त चाह रहे होंगे कि कौन कौन जो है एमएनए या एमपीए जो इलेक्शन लड़ता है किसका दिल नहीं करता होगा कि वो वजीर आजम ना बने या वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ना बने। आप बताएं क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट पीटीआई के अंदर मौजूद नहीं है? पीटीआई के अंदर भी लोग चाहते तो होंगे, लेकिन सबको ये बात पता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब की पीटीआई के अंदर रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब की फॉलोइंग है। तो ये एक चीज होती है, तो दिल तो सबका करता है, लेकिन जो ये डील डील की बात और कहां जाकर कहा जाता है वो अपनी पार्टी में भी देख लें, सारी पार्टीज देख लें। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर जो मैंने पहले भी बात की कि ये बड़ी अजीब बात है कि किससे जाकर कहा जाता है कि हम मुतबादिल हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जमहूरियत के अंदर। ठीक है आलिया साहबा, ये सारी गुफ्तगू जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से हो रही है आपको मतलब किस तरह आप इसको देख रही हैं? क्योंकि आखिरी इतलात तक तो अभी भी वो आपकी पार्टी के साथ ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों ने तो लगता है दरवाजा खोल दिया उनके लिए कि आ जाओ जनाब, आओ बैठ के गल करने।
मंसूर साहब मुझे तो ना बड़ा ही मजा आ रहा है वैसे इन सारी चीजों के ऊपर, इतनी इतनी पुरानी जमातें आज इन्हें पीटीआई तोड़ने की जरूरत पड़ गई है, क्या बात है ना। कभी जहांगीर तरीन ग्रुप से इनकी सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, कभी परवेज खटक साहब से इनकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, कभी नूर आलम साहब कोई बात करते हैं असेंबली के अंदर तो उनसे सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। क्या करें, असल में जो इनके दिलों के वजीर आजम थे ना वो आप ट्रकों और रक्षों के वजीर आजम बन गए। इनकी नौबत यहां तक आ गई है, 6 इनके कैंडिडेट्स हो गए हैं वजीर आजम के। हमारी पार्टी सिर्फ इमरान खान साहब से हो और इमरान खान साहब के बाद अगर पार्टी के अंदर बहुत से लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और जहांगीर तरीन साहब का एक इंटीग्रल रोल है, जहांगीर तरीन साहब ने अभी तक उस पार्टी से अलाइदगी का कोई भी ऐसी बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ आज भी वो खड़े हैं, आप पिछला बजट देख लें या अभी का मिनी बजट देख लें या आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देख लें या बीच के अंदर जो जॉइंट सेशन देख लें, सब कुछ तो सामने नजर आ रहे हैं। मतलब ये उम्मीदों पे उम्मीदें लगाते रहते हैं, तारीखों पे तारीखें देते रहते हैं और नतीजा और इसके साथ ही एक और बात भी बता दें, एक और बात भी बता दें कि आज 17 जनवरी मंसूर साहब क्या करें। नहीं, मैं इसी पे सवाल कर रहा हूँ आपसे, आज 17 जनवरी 2022, मैं तारीख इसलिए बता रहा हूं ताकि रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए, 17 जनवरी 2022 को आपको जहांगीर तरीन करप्ट तो नहीं लगते ना? देखिए जी, मेरी एक बात सुन लें, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, तारीखों पर तो मुझे कुछ और भी याद आ जाता था, हमने तो पिछले साल का सूरज भी नहीं देखना था, अब तो अगले साल का भी हमने सूरज देख लिया और अब तो 1.5 साल हमारे इक्तदार में रह गए, तो हमें तो जिससे कहना अब तो ये हमें कहते ना अच्छा एक महीना और, अच्छा और कोई तारीख, अच्छा अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो हम कहते हैं ये अपना शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होता, सियासत सीख सीख कर सीख जाएंगे। मैं जो बात करने लगी थी नोट करने की बात वो है, ये अभी कह रहे थे ना कि हमने बहुत सी पार्टियों के लोग ले लिए, 2013 का आपको याद है जब ये लोग आए थे, इवन 2/3 मेजॉरिटी थी, 50 एमएनए जिन्होंने पीएमएलएनक्यू के तोड़े थे, आज भी जाकर देखें ये तो इनकी हालतें हैं, अब आकर ये हमें सिखाएंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं, आप लोगों ने तो मुस्लिम लीग के कोई एमएनए नहीं तोड़े ना, एक बंदा और एक पार्टी, मतलब सब सुन लिया करें ना, एक बंदा एक पार्टी, 11 पार्टियों को हमने एक टांग पे खड़ा करके रखा है, रोज आके वो तारीखों पे तारीखें देते, बेसिकली वो सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को इंटैक्ट करने की कोशिश करें। अच्छा वैसे मेरा सवाल, चले मैं आप दोनों से, मैं एक एक मौका आप दोनों को देता हूँ, एक मैं ये मौका दोनों को दे रहा हूँ और एक ही सवाल कर रहा हूँ इनके हाथ, मैं आप दोनों से सवाल कर रहा हूँ, मैं आप दोनों से सवाल कर रहा हूँ और मुझे प्लीज यस या नो में जवाब दे दीजिएगा क्योंकि मैंने अगले टॉपिक के ऊपर जाना है। दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, 17 जनवरी 2022 को जहांगीर तरीन करप्ट तो नहीं है ना? अगर वो खुद आपको मौका दे रही है बोले जी, बोले तारड़ साहब बोले बोले, वो किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, जो सवाल आप करते हैं जवाब कुछ और आता है वहां से, आपके सवाल गलत है, जवाब देना। चले मैं आपसे आपसे पूछ लेता हूं, तारीख में जहांगीर खान तरीन करप्ट आदमी है, है क्या? दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिएगा, आज की तारीख में जहांगीर खान तरीन एक करप्ट आदमी है, मैं बिल्कुल उसको करप्ट मानता हूं। ले जी आलिया साहब, अब आप भी इसी सवाल का जवाब दे दें, आज 17 जनवरी 2022 को आप समझती हैं जहांगीर तरीन करप्ट है कि नहीं? मैं आप कुछ कह नहीं सकती, जो उनके बारे में करप्शन की वो कह रहे हैं, अब मैं क्या कहूं, मैं पर्सनल होना नहीं चाहती, इसमें पर्सनल होने वाली क्या बात, नहीं नवाज शरीफ को जब आप लोग करप्ट कहते हैं वो पर्सनल होते हैं, चाहती जिनके हाथों से निकलकर लोगों के जाएं ब्यूटिफिकेशन, गुजरात ब्यूटिफिकेशन के नोटिफिकेशन जाएं और 50-50 लाख की वो टीटियां लगाएं, वो किसी के करप्शन के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन साहब के सारे केसेस अदालत के अंदर है, वो अदालत उनको वो कहेगी, अगर वो उनको करप्ट कहेगी तो वो केसेस को फेस करें। नवाज शरीफ साहब तो सर्टिफाइड करप्शन पे निकाले हुए हैं ना, ना अहल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ना अहल किया हुआ जहांगीर तरीन साहब को, आलिया साहब जी करप्शन की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, बेनामी जायदाद रखने पे, देखें जी ये जाकर फैसला कर, मैंने सवाल पता क्यों किया आलिया साहब, आई विल टेल यू व्हाई डिड आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, कौन पीएसओ थे उनके, मैं आपसे आज ये सवाल आलिया साहब इसलिए कर रहा हूं कि 17 जनवरी 2022 को अगर जहांगीर तरीन करप्ट नहीं है,
करप्शन का नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर आज वो करप्ट नहीं है, करप्शन का नोटिफिकेशन था तो उन्होंने टीटियां लगाई थी। आलिया साहबा, आज अगर वो करप्ट नहीं है तो ये ना हो कि कल जब वो नून लीग में चले जाए तो फिर आपके जहांगीर तरीन तो था ही करप्ट, अच्छा हुआ उधर ही चला गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, मुझे बता दें कैटेगोरिकली, मैंने अपने व्यूज आपको बता दिए, मैंने बड़ा कैटेगोरिकली अपने व्यूज आपको बता दिए, और मैंने ये भी बता दिया किसी ऐसे बंदे के व्यूज जिनके जिनके साइन से 50 लाख की टीटियां शहबाज शरीफ के अकाउंट में गिर रही हूँ, मैं उनकी बात को भी अथेंटिक समझती हूँ। देखा है जिसकी आप बात कर रही है, मैं उसको भी अथेंटिक समझती हूँ। मेरे पे एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन बनती है, मेरे पे एक इल्जाम लगाया कि मैंने एक नोटिफिकेशन साइन किया है जिसमें 50 लाख की टीटियां मैंने किसी को एफआईए का चालान देख लिया। ये एफआईए के चालान में मेरे पे एक इल्जाम लगा, मैं क्लियर करता चलूं तो आप बात क्लियर करें ना, मुझे क्यों क्लियर करना है। गुजरात का आदमी है जिसका नाम औरंगजेब भट्ट है, मुझसे पूछ रहे। मैंने उसको चेयरमैन ब्यूटिफिकेशन कमेटी ऑन ऑनररी बेसिस गुजरात शहर का लगाया था, मैं बता देती हूं वो, मैं उस पे स्टैंड करता हूं, मेरे साइज मेरा नोटिफिकेशन है। अब ये कहें कि 50 लाख की टीटियां मैंने इससे लगाई है तो ये इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, आप तो कहा 50 लाख की टीटियां शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में लगाई हैं, और औरंगजेब भट्ट ने आकर ऑन रिकॉर्ड कहा कि इस नोटिफिकेशन के बात करते हैं अदालत एफआईए के चालान में कैसे मुकर गलत बात कर रहे हैं। एफआईए के चालान में टीटियां है ही नहीं है, जाए देखे ना, जाए देखे। इनकी तैयारी आज कमजोर है, अगले शो में तैयारी करें। नहीं नहीं, मुझे कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, आप लोगों की तैयारी बाद में होगी, मैं अपनी मजीद तैयारी करता हूं। एक ब्रेक है, हम सब तैयारी करते हैं, नाजीन आप भी तैयारी कीजिए, एक ब्रेक के बाद दोबारा शो शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक और टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, आईपॉड का एक सर्वे सामने आया है, ये सर्विस करती है ये कंपनी, और इस सर्वे के मुताबिक मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये बताया गया है कि चारों सूबों में जो सर्वे किया गया है 29% लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में वो वोट देना चाहेंगे अगर आज कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं। 28% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट देने का फैसला किया, 1% का दोनों जमातों में फर्क है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 15% का फिगर जो है वो सामने आया है। एक और सवाल जो किया गया था कि जी आपके ख्याल में आज पाकिस्तान के मसाइल को कौन हल कर सकता है, तो सबसे बड़ी परसेंटेज जो है वो नवाज शरीफ के लिए सामने आई है, 33% लोगों ने कहा है कि जी नवाज शरीफ मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं, 30% लोग इमरान खान के लिए समझते हैं कि वो इन मसाइल हल कर सकते हैं, जबकि 16 लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो के हवाले से समझते हैं कि वो इनके मसाइल को हल कर सकते हैं। मेमल सफराज साहिबा, ऑब्वियसली हर सर्वे के अंदर जो है वो सैंपल साइज काउंट करता है, मार्जिन ऑफ एरर इसके अंदर होता है, बट यू जनरली एग्री विद दिस सर्वे, या आपके नजर में जो नंबर सामने आए हैं ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है? नहीं देखिए, वैसे जो इस तरह के सर्वेज होते हैं वो काफी आप देखते हैं कि इलेक्शन से पहले जब कराए जाते हैं, खासतौर पर लोकल बॉडीज इस तरह के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उसके ऊपर कराए जाते हैं, तो काफी हद तक वो दुरुस्त भी साबित होते हैं मंसूर। और जो एक चीज है कि जो मोस्ट पॉपुलर लीडर कह ले या ये कि जो मिसाइल्स हल कर सकते हैं, तो मियां नवाज शरीफ का जब नाम आता है तो वो तीन धार एक तो वजीर आजम भी रह चुके हैं, और उनके क्योंकि उस दौर को पिछले दौर को अगर इस दौर से मिलाया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और नून जो है वो उसको काफी उसको बड़ा अल्टरनेटिव, अगर कोई पीटीआई का अल्टरनेटिव होगा तो वो नून को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही देखा जाता है। दूसरी जो बात है कि ये अपोजिशन भी, अपोजिशन के लिए भी ये सर्वे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो ये समझते हैं कि पीटीआई का वोट बैंक खत्म हो गया, वो भी ऐसी बात दुरुस्त नहीं है, पीटीआई का वोट बैंक भी है, मसला ये है कि ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अगले इलेक्शन में वोट देने आते हैं कि नहीं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे जर्नलिस्ट जो उधर ऑन द ग्राउंड काम करते हैं उन्होंने कहा कि पीटीआई का बहुत सारा वोटर तो निकला ही नहीं नाराजगी में, क्योंकि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी और शायद वो बाकियों को देना चाहते थे कि नहीं, तो वो निकला नहीं, तो वोट बैंक तो उनका है लेकिन कम होता जा रहा है, पॉपुलैरिटी भी आप देखिए कम होती जा रही है, यानी कि अगर जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो फिर हम उसका रिजल्ट भी देख लेंगे, अगर वैसे ये लोकल बॉडीज पंजाब के अंदर भी अगर करा के देख लें, जो कह तो रहे हैं कि शायद कराए लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद ना कराएं खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बाद, अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन होगा तो मेरे ख्याल में वो नजर आ जाएगा। जी आलिया साहबा, ये जो सर्वे बताता है, हमें ये बताया गया कि जी मुस्लिम लीग नून अब खत्म हो चुकी है, इसका कोई वजूद नहीं है, नथिंग एट ऑल, अब आप देखिएगा वाइप आउट हो जाएगी ये बिल्कुल, लेकिन यहां पे मोस्ट पॉपुलर जो लीडर्स के हवाले से नवाज शरीफ जो कि इस वक्त ना अहल हैं, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक वो अभी भी सबसे पसंदीदा लीडर के तौर पे सामने आए हैं।
अच्छा मंसूर साहब, सबसे पहले तो मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान मीडिया के रेवेन्यू में 2018 से 2021 तक सिर्फ 600% इजाफा हुआ है, कम भी नहीं, सिर्फ 600%। एनी हाउ यही रिक्वेस्ट है कि वर्कर्स को और आम लोगों को भी इसमें हिस्सा दे दें ताकि उनको भी उनके हालात अब आ जाए। इस सर्वे के ऊपर आप ये देख लें, हमें तो ये कहा गया था कि हम इस वक्त पॉपुलैरिटी के लोएस्ट ग्राफ के ऊपर है, तब भी इतने लोएस्ट पर आने के बावजूद सिर्फ 1% का फर्क है। इंशाल्लाह ताला ये महंगाई तो अगले 2-3 माह की गेम है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी तो फिर तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। और वो जो बात कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब निजात दहिंदा है, जी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब निजात दहिंदा है, वो उनकी जो ये लोग गिनते थे ना हमारी वो जलसों की कुर्सियां और दरख्त जमीन के ऊपर, आज ये रक्शे के पीछे और ट्रक के पीछे उनकी तस्वीरें ढूंढना शुरू कर गए। अब तो सिर्फ गधा गाड़ी रह गई है जिसके ऊपर उनकी तस्वीर लग जाए, तो उनकी पॉपुलैरिटी तो मैं क्या कह दूं, दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है। और वो आपको नजर आ जाएगी कि कहां पर है। अगर इतने अच्छे हालात होते 35-35 साल हुकूमतें करके, 3 साल वाली हुकूमत का तो ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निजात दहिंदा होंगे। और वो अपना इलाज तक तो पाकिस्तान में करा नहीं सक रहे, पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए कि जो अपने इलाज के लिए इलाज के लिए ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। और ये सर्वे भी ये बताता है कि आप लोग जिस तरह ये कहते थे कि जी बस इमरान खान साहब खत्म हो गए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ रहेगी नहीं, अभी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बड़ी सिग्निफिकेंटली बेशक आपसे एक पॉइंट पीछे है, लेकिन अभी भी उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लोग इमरान खान साहब के पीछे हैं, इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, पीटीआई को वोट करना चाहते हैं। देखिए ये देखना होगा कि एक सैंपल साइज कितना था इस सर्वे का। सर मैं बता देता हूं, 3769 ज्योग्राफिक लोकेशंस पे, ये बड़ा कम सैंपल साइज है ना, ये तो एक एनए का साइज होता है जो हम सर्वे करवाते हैं यूजुअली। मैं आपको बताता हूं अब इशू क्या है। मैं अभी खानेवाल में लेटी बाय इलेक्शन लड़के आया हूं, आप सारे बाय इलेक्शन उठा के देख लें, वजीराबाद, डस्का, खुशाब, खानेवाल, लाहौर, कराची, वरना मैं डिटेल से आपका जवाब लेता। माजरत इसके लिए, नाज़रीन कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।